प्यारे स्टूडेंट, चलिए चलते हैं हम लोग आज की क्लास में मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 5.3 12th एनसीईआरटी क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी की बुक्स के 5.3 को पूरे ढंग से हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं, पूरे अच्छे से क्वेश्चंस को हम लोग किए हुए हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.4। अब 5.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थ्योरी पहले जानना होगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को लिखेंगे। और फार्मूला है एक्सरसाइज 5.4 का थ्योरी में टॉपिक्स का नाम लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। पहला फार्मूला dE^(x)/dx का वैल्यू e^(x)। दूसरा dlogx/dx=1/x। और तीसरा फार्मूला जो है dA^(x)/dx=A^(x)log A। और चौथा dlogAx/dx=1/x log A। इस तरीके का कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंट फार्मूला है। तो यही है 5.4 का प्यारे छात्रों थ्योरी। अब बहुत जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सर 5.4 में बस इतना ही सा थ्योरी? तो जी हाँ, बिल्कुल इतना ही सा थ्योरी। अगर आपको थ्योरी मतलब क्या कुल मिलाकर आपको गिन के बताए तो 4 फार्मूला है। अब ये 4 फार्मूला अगर आपको बढ़िया से ढंग से याद हो गया तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इट मीन्स 5.4 एक्सरसाइज में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए तो अभी इसका इस जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल है इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी एक्स में फंक्शन जो e^(x) में लिखा जाए, e^(p) अगर p है तब पर भी इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान ये है कि वो आधार में क्या रहता है, a। जैसे कि आपको अगर हम बोले कि 2^3 कितना होता है बाबू, तो आप बोलेंगे 8। यानी आधार बोलेंगे कि 2 है आधार और घात बोलेंगे 3। लेकिन प्यारे छात्रों उसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं जहां पे आधार क्या हो, e हो। जहां कहीं भी अगर आपको आधार प्यारे छात्रों e मिल गया तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। बिल्कुल अच्छा। उसके बाद अगर बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहते हैं, तो लॉगरिथमिक लॉग का पूरा नाम है। जैसे किसी का शॉर्ट नेम होता है, जैसे मेरा विकास राज, तो VR का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या हुआ, विकास राज। उसी तरीके से ये जो हम लोग लॉग लिखते हैं ना, तो लॉग का पूरा नाम हो गया लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक का शॉर्ट नेम हो गया लॉग। तो जी हाँ, लॉग के बारे में आप लोग जानते होंगे लॉग, लेकिन लॉग वही लॉग का पूरा नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यही दोनों का, एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक का, यही दोनों का डिफरेंशिएशन है 5.4 में। तो इसीलिए 4 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि e^(x) का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे छात्रों, e^(x)। तो याद रहे आपको ये मामला जो है ना, भले 4 फार्मूला है लेकिन आपको अगर आने वाले टाइम में जरा अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर अगर मान लिया e^(sin x) रहेगा और तब डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा, तो जी हाँ आप d sin x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए e^(x) में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है।
e के पावर x तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में वही का वही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है, e के पावर x कब होता है प्यारे छात्रों, जब पावर में जो रहेगा उसी के नीचे रहना चाहिए, उसको नीचे रहना चाहिए तब जाके e के पावर x। तो अगर आपको कहीं लाइफ में e के पावर साइन x का अगर कोई डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो आप ऐसे करेंगे डी ई के पावर साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, क्यों, क्योंकि जो पावर में रहता है वही नीचे रहेगा, तभी ना फार्मूला पे आएगा, और फिर नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, मतलब चैन रूल करेंगे इस्तेमाल। उसी तरीके से याद रखना चाहिए कि डी ए के पावर एक्स, देखिए प्यारे छात्रों जब ई रहेगा आधार में तब इसको समझना है कि एक्सपोनेंशियल, और जब आधार में ए रहेगा तब इसको कोई नाम नहीं होता है, ए का मतलब कॉन्स्टेंट, जैसे टू के पावर एक्स, फाइव के पावर एक्स, तब जो है ए का मान हो जाएगा टू और घात होना चाहिए एक्स। अच्छा, एक्स के बजाय कुछ और भी हो सकता है, जैसे अगर हम बोल दिए कि टू के पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्यारे छात्रों, तो डी साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। आप फार्मूला से आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि ये फार्मूला पे तब आएगा जब पावर जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ए के पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वो ए के पावर एक्स लिख देना है और लॉग के बाहर जो आधार है उसको लिखना है। जैसे अगर पूरा पूरा टू के पावर एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो टू के पावर एक्स लिख लेंगे पूरा का पूरा, फिर लॉग लिखना है और जो आधार में दो है तो दो लिखेंगे। अगर ऐसा आएगा कि टू के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है मतलब कि डीएक्स, लेकिन आपको अपने तरीके से चैन रूल इस्तेमाल करना है, क्योंकि चैन रूल का मतलब यही होता है कि क्या करेंगे कि फार्मूला पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग फार्मूला पे लाने के लिए साइन इनवर्स एक्स करते अगर ऐसा सवाल होता है तो, और फिर नीचे वाला को ऊपर ले जाते साइन इनवर्स एक्स बटा डीएक्स। अब ये फार्मूला पे कैसे होगा, तो जो ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स लिखना है, तो यहाँ टू के पावर साइन इनवर्स एक्स तो टू साइन सॉरी टू के पावर साइन इनवर्स एक्स, और फिर लॉग लिखना है तो लॉग, और आधार में दो है तो आधार दो लिख लेंगे। यानी कि इसका यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बहुत अहम बात यह है कि जो पावर में रहता है वही उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर ए के पावर वाई होता तो यहाँ पे वाई हम लाने का प्रयास करते प्यारे छात्रों, ताकि यह फार्मूला पे आ जाता। चलिए उसी तरीके से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई एक्स होता है। अब लॉग एक्स का मतलब क्या है, तो लॉग एक्स का मतलब ये वही इधर समझ गए हैं, और बिल्कुल इन चीजों को याद रख लीजिएगा, बहुत यूज है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, लॉग सॉरी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स, और फिर इंटू लॉग ए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई एक्स होता है। अगर मान लिया कि कहीं भी आ गया लॉग साइन इनवर्स एक्स, प्यारे छात्रों क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डी साइन इनवर्स एक्स, क्यों, क्योंकि लॉग एक्स यहां वाला सेम सेम होना चाहिए, तो यहां साइन इनवर्स एक्स, तो अपने से, यही सब तो मैथ्स है, आपको ये चीज अपने से सोचना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे कि वो फार्मूला पे बनेगा। फार्मूला क्या बोला कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई एक्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, क्योंकि इसके बगल में साइन इनवर्स एक्स था, और नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो ये भी फार्मूला पे आ गया लॉग एक्स बटा एक्स, यानी कि लॉग साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा वन बाई एक्स होता, तो यहां हो जाएगा वन बाई साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, लेकिन एक ये है चार नंबर फार्मूला, तो इस चौथे नंबर फार्मूला का बिल्कुल यूज नहीं है, यानी कि 5.4 में चार नंबर वाले फार्मूला का बिल्कुल यूज नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि लॉग के नीचे रहेगा, जैसे मान लिया कि लॉग रहेगा लॉग एक्स टू दी बेस टू, यानी कि लॉग है और नीचे में टू है और एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे वन बाई एक्स, यानी कि जो लॉग के साइड में, देखिए लॉग जो लिखा जाता है ना, लॉग अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो लॉग 11th क्लास का एक चैप्टर है प्यारे छात्रों, लॉग
एक मैथ्स का एक चैप्टर ही है, अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा अच्छा चीज पढ़ने को मिलेगा। लॉग के बगल में होता है, एक होता है लॉग एक्स, और लॉग किसके बेस पे होता है वो नीचे लिखा जाता है, 10, 12 कितना बेस पे है वो बेस जो है नीचे लिखा जाता है। और यहां इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं लॉग का बेस, जैसे कि 2 का बेस 3 उसी तरह से लॉग पढ़ेंगे ना तो लॉग का ये बेस कहलाता है और ये लॉग के जो बगल में होता है ना वो आर्गुमेंट कहलाता है। तो आप बिल्कुल ये जो ए है ना लॉग के नीचे है, यानी लॉग का बेस है और बेस का जितना मान रहेगा उसको लॉग के साइड में लिखना है। तो लॉग 2 बेस पर x रहेगा तो जो लॉग के बगल में रहेगा उसको पहले लिखना है और इनटू लॉग जितना बेस रहेगा उसको साइड में लिखना है लॉग 2। ये कब लिखना है प्यारे छात्रों, जब लॉग के जितना x उसी के रिस्पेक्ट में। अगर आ गया कि लॉग e^x (2^5) अब इसको डिफरेंशिएशन करो, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d e^x के रिस्पेक्ट में प्यारे छात्रों, क्योंकि यहां क्या है x के जगह पे है। अब नीचे वाला ऊपर कर देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा हम लोग को बोलेगा सवाल में वैसा हम लोग काम करेंगे। तो ये चार में से पहला दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको हम लोग यूज करेंगे जैसा सवाल बोलेगा चैनल को लेकर। तो चलिए अब हम लोग 5.4 को तो बढ़िया से समझ भी गए होंगे, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.4 एक्सरसाइज, यानी कि इस क्लास में आप 5.4 का आप थ्योरी भी देखें और अब हम लोग चलिए चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिखा रहा है, पहले आप सवाल शुरू में अगर आपके पास बुक है तो पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला सवाल है e^x/sin x। प्यारे छात्रों जो पहला सवाल है ना e^x/sin x और यही सवाल दिया है, तो आप अपने तरीके से मान लीजिएगा कि लेट y बराबर, ये जो y बराबर है ना वो अपने से मान रहा है, सवाल तो सिर्फ इतना दिया है लेकिन अपने से y बराबर मान लिए हैं। तो जब अपने से y बराबर मान लिए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पता है ऊपर वाले को u मान लेते हैं, ऊपर वाला u है और नीचे वाला भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को u by v का फार्मूला बिल्कुल याद होगा, डिवाइडिंग वाला फार्मूला। तो u by v वाला फार्मूला क्या होता है, तो नहीं याद है तो फिर भी हम लिख देते हैं। u by v का फार्मूला जो होता है, v को बाहर निकालेंगे du/dx - u को बाहर निकालेंगे dv/dx और बट्टा में होता है v²। ये फार्मूला होता है, तो चलिए इसी पर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy/dx = v को बाहर निकालेंगे मतलब कि sin x, u का डिफरेंशिएशन। तो प्यारे छात्रों ऐसे लिखेंगे de^x/dx, u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब की बार u को बाहर निकालना है तो हम e^x को बाहर निकाल लिए, v का डिफरेंशिएशन यानी कि d sin x / dx और पूरा में प्यारे छात्रों sin x का हो जाएगा स्क्वायर, तो sin²x। अब जब आपको पता ही है कि जो बाहर निकलता है उसको हम लोग टच भी नहीं करते हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो sin x का sin x। और अभी यानी आज का थ्योरी में पढ़े कि e^x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्यारे छात्रों e^x होता है, तो e^x लिख दिए माइनस e^x को e^x बाहर है तो छोड़ दिए, और sin x का डिफरेंशिएशन प्यारे छात्रों याद होगा cos x होता है, तो यहां रख दिया cos x, बटा में क्या होगा तो sin²x। अब हम जानते हैं अभी इधर तो क्या है, y को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx मिलेगा, और इधर जब करेंगे यहां पे कोई जरूरी नहीं लिखना कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ऐसा नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे हम खुद y माने हैं तो y का हम लिख दिए dy/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे भाई, और इधर जो जैसा भी सिचुएशन रहेगा वैसा आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि यहां पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्यारे छात्रों आंसर जो होता है ना बहुत छोटा में दिया रहता है,
आपको सॉल्यूशन करके आंसर दिया रहता है। तो यहां तक भी आंसर आपका सही है, लेकिन एक स्टेप और आगे होगा प्यारे छात्रों, जब बुक में आंसर रहेगा तो e के पावर x दोनों में कॉमन है, तो आप e के पावर x को क्या कर लेंगे, कॉमन। तो यहां पे बन रहा होगा साइन x माइनस यहां पे बन रहा होगा कॉस x, और बट्टा में क्या प्यारे छात्रों, साइन स्क्वायर x। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है ये, आपका पहला का आंसर बुक के आंसर से भी मैच करेगा। तो ये बहुत 5.4 जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आपको फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, दूसरी बात कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे चैन रूल उसको भी पता होना चाहिए ढंग से, तभी आप बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, ये सीखने का मौका है प्यारे छात्रों, आप सीखिए। हम अपने तरफ से मान लिए वाई बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हमें तो क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स लिखा। अब ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, तो इसको लिखेंगे ना ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अब प्यारे छात्रों इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि ये फार्मूला पे आ जाएगा, आपको हम याद दिलाते हैं। आपको याद आना चाहिए कि सर डी ई के पावर एक्स का जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में ना ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, तो ये फार्मूला पे कब आएगा, जब जो पावर में होता है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसीलिए इसको साइन इनवर्स एक्स नीचे रख रहे हैं। ये अपने से सोचना है कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि वो फार्मूला पे आ जाएगा। अब तो फार्मूला पे आ गया ना, ई के पावर एक्स, नीचे एक्स होना चाहिए तब हम ई के पावर एक्स लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे पी रहेगा चाहे कुछ और रहेगा तब पर भी इतना लिख देंगे, कभी नहीं। ये डिफरेंशिएशन का छोटी छोटी बात है ई के पावर एक्स का। अगर कोई बोलेगा कि बाबू तू बता दे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो फट से नहीं बोल देना है कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, जरा उससे पूछना है कि भाई ये बता दो कि किसके रिस्पेक्ट में। अगर वो नहीं बोलता है कि dx के रिस्पेक्ट में, तब आप ये चीज नहीं बोलिए। अगर वो बोलेगा कि dp के रिस्पेक्ट में, तब आप बोले कि नहीं भाई डायरेक्ट नहीं होता है, e के पावर x तुम्हारा सवाल है और dp तुम बोल रहे हैं रिस्पेक्ट में, कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए छोटी छोटी बात को आप ध्यान देंगे तभी। तो e के पावर साइन इनवर्स x, तो d साइन इनवर्स x, और चूंकि चैन रूल ये बोलता है कि जो नीचे है उसको ऊपर करो, तो d साइन इनवर्स एक्स। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दें, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो फार्मूला है। अब चलिए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है कब, जब नीचे भी एक्स रहे, तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो यहां हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का, आपको प्यारे छात्रों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन पता होगा, वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इसको अच्छा से लिख देंगे, ई के पावर साइन वर्स एक्स को वन से गुणा करेंगे, तो ई के पावर साइन वर्स एक्स और रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर हो गया दूसरा का। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन, इजी वे में बनेगा क्वेश्चन, तो ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसा है उसका सिचुएशन, वो बन पाता है कि नहीं। 3 नंबर है ई के पावर एक्स क्यू, ई के पावर एक्स क्यू है प्यारे छात्रों। तीसरा क्वेश्चन वाई बराबर, अपने से मान लेते हैं वाई बराबर क्या, ई के पावर एक्स क्यू। तो अब चलिए इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डीवाई बाई डी एक्स, अब डी इधर करेंगे तो ई एक्स क्यू। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में, अब आप सोचिए, किसी को लग रहा होगा कि सर 3-3 के रिस्पेक्ट में, तो कभी नहीं, ई के पावर में जो होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ई के पावर क्या है, एक्स क्यू है, तो यहां पे कर देंगे एक्स क्यू, और नीचे जब होगा, नीचे जो होता है उसको रख देंगे ऊपर, एक्स क्यू बाई डी एक्स। तो ई के पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वही होगा, इसका मतलब ई के पावर एक्स क्यू इंटू, और x के पावर 3 का तो 3x स्क्वायर, 3 बाहर लाएंगे तो यहां पे एक पावर घट जाएगा, इसलिए इसको अच्छा से आंसर दिया होगा इधर उधर करके कि 3x स्क्वायर
e x cube, इतना आंसर दिया होगा। तो आज हम लोग 5.4 का थ्योरी भी देखे और क्वेश्चन भी देख रहे हैं, तो बहुत इजी में बन रहा है। तो प्यारे छात्रों, आपको जो वर्क्स है, दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, 4 नंबर और 5 नंबर, क्योंकि 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप में बनेगा। अगर आपको आपसे बनता है तो आपसे बनेगा ही बनेगा, 4 बनेगा पक्का बनेगा, 5 नंबर भी बनेगा। फिर बात करते हैं तो 8 नंबर और 9 नंबर भी बनेगा, और उसके आगे 10 नंबर बनेगा। तो हम आपको दे देते हैं 4, 5, 8, 9, 10, ये 4, 5, 8, 9, 10, यानी टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क्स के तौर पे है। आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इजी में बनेगा। और अगले क्लास में हम 4-5 अगर बहुत सारे लोगों का बन जाएगा तो हम डायरेक्ट 6 से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि 6 नंबर और 7 नंबर थोड़ा सा नहीं बनने का संभावना है, क्योंकि 7 नंबर रूट वाला केस है और 6 नंबर वो प्लस प्लस करके बहुत आगे तक दिया हुआ है, डॉट डॉट भी है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। 4, 5, 8, 9, 10, देखते हैं कि कितने लोग सही मायने में समझ रहे हैं, सही मायने में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो फिर